ये जो कार है होंडा सिटी एयरबैग, इसके अंदर एयरबैग जो है इसका ओपन हो गया था, तो एयरबैग की लाइट आ रही है। तो जब इसका एयरबैग ओपन हो गया था तो अपने को इसका दोनों सीट बेल्ट, अगर दोनों एयरबैग फट गया तो दोनों रिप्लेस करना पड़ता है, क्लॉक स्प्रिंग वगैरह सब डालना पड़ता है। जैसा कि देख सकते हैं ये जो सीट बेल्ट है इसका, इसके सीट बेल्ट के अंदर भी इसका लगा हुआ रहता है सेंसर जो एयरबैग का रहता है। ये इसका एयरबैग है पुराना, जैसा कि देख सकते हैं ये पूरा ओपन हो गया था, ठीक है, तो ये पूरा रिप्लेस करना पड़ता है, बनता नहीं है, ये रिपेयर नहीं होता, या तो फिर सिर्फ सिल के और उसको पैक करके ऊपर से बना के दे देते लोग, कुरला में ऐसा भी है। बट अगर वापस से इसको यूज़ के लिए चाहिए तो फिर अपने को रिप्लेस ही करना पड़ता है, दूसरा डालना पड़ता है। जैसा कि देख सकते हो पूरा ओपन हो गया है। तो हम लोग ने अभी इसका सीट बेल्ट वगैरह ये सब चेंज किया, बाकी जो आइटम है इसका पैसेंजर साइड का एयरबैग ये सब रिप्लेस किया है और फिटिंग कर दी ना। हाँ, ये इसका मॉड्यूल जो है एयरबैग का, ये मॉड्यूल इसको भी रीसेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एयरबैग का मॉड्यूल इसका रीसेट नहीं करोगे तो कुछ भी काम नहीं करता फिर वो, ठीक है, ओपन सर्किट लिख के आएगा, ऐसे सब लिख के आता है। तो सब कर दिया हम लोगों ने, इसका जो एयरबैग मॉड्यूल है, जब भी कोई गाड़ी का एयरबैग ओपन हो जाता है तो इसका मॉड्यूल को वापस से रीसेट करना पड़ता है, ठीक है, इसके अंदर जो इसकी आईसी उसके अंदर एक फाइल डालना पड़ता है, नई फाइल मारना पड़ता है उसके अंदर, या फिर मॉड्यूल रिप्लेस कर देते बहुत लोग, बट ये हो जाता है कोई भी गाड़ी हो, VW या होंडा वगैरह की जो गाड़ियाँ हैं, हुंडई की, अगर सस्ता मिलता है तो दूसरा ही डाल दो तो भी सही रहता है, लेकिन जिसका ओपन नहीं हुआ रहेगा वही चलेगा, अगर ओपन हुआ है तो आप कितना भी डालो चलेगा नहीं, फिर वो रीसेट मारना पड़ता है। उसके अंदर अभी कुछ, क्योंकि इसका सीट बेल्ट अभी लगा है हम लोग ने, तो देख लेते सीट बेल्ट का फोल्ड गया कि नहीं, दो तीन फोल्ड आ रहे, क्लियर कर लेते। अभी इसके अंदर एयरबैग लाइट नहीं आ रही, बट वापस से चाबी बंद करके चालू करेंगे तो एयरबैग की लाइट आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ड्यूटी सीट ट्रबल कोड रहेगा। जैसा कि देख सकते ड्राइवर साइड का बेल्ट का दिखा रहा है और पैसेंजर साइड सीट बेल्ट का दिखा रहा है इसके अंदर, ठीक है, दोनों साइड का दिखा रहा है। ओपन द ड्राइवर सीट बेल्ट टेस्नर, जो टेस्नर है इसका, उसका दिखा रहा है दोनों का। और एयरबैग में कैसा रहता है कि एक बार फॉल्ट क्लियर होता है, बहुत बार ऐसा होता है फॉल्ट दिखाता नहीं फिर भी लाइट आती है, क्योंकि हम लोग जब फॉल्ट क्लियर कर लेते फिर बाद में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है कि भाई क्या फॉल्ट है, इसलिए कभी भी इसका एक फोटो लेकर रख लेने का, पहले क्या क्या दिखा रहा था। अब इसके अंदर नो ट्रबल कोड आ रहा है, तो हम लोगों ने इसका सब कुछ रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, जो इसका पैसेंजर साइड का एयरबैग है, ड्राइवर साइड का है, प्लस दोनों सीट के टेस्नर, वो भी रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने, तब जाके ये सही होता है। इन बताने का मकसद यही है कि इसके अंदर जब भी एयरबैग ओपन हो जाए तो इसके मॉड्यूल के अंदर फाइल, मतलब जो इसका एयरबैग मॉड्यूल है उसको रीसेट करना पड़ता है, एंड जो इसका सीट बेल्ट है उसको भी चेक करना चाहिए, ठीक है, सीट बेल्ट का जो टेस्नर है वो भी ख़राब हो जाता है, उसको भी रिप्लेस करना चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी इसके अंदर लाइट नहीं आ रही है, ये करने के बाद ओके हो गया ये,